कैराना से घरेलू सामान लेकर लौट रहे किसान को बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने रोक लिया और हथियारों के बल पर उसका अपहरण करने का प्रयास करते हुए 5 लाख रुपए की मांग की। नकदी न देने पर किसान की पुत्री का अपहरण कर हत्या करने की धमकी देते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि मामला शामली के कैराना थाना क्षेत्र तीतरवाड़ा निवासी यूनुस ने कोतवाली कैराना में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार की देर शाम कैराना से कुछ घरेलू सामान खरीदकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और अपनी बाइक पर बिठाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके, जिसके बाद उन्होंने हाथापाई करते हुए जबरदस्ती शुरू कर दी, जिसमें एक बदमाश के मुंह से नकाब उतर गया, जिसे ही उसने पहचान लिया जो गांव का ही रहने वाला था। पीड़ित किसान ने गांव के ही एक युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी और मामले में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। गाँव के पास ही एक बाग पड़े हैं, तो वहाँ से तीन आदमियों ने मैं गए मोटरसाइकिल बाइक रखवा गए, तो मेरे तक तुम अच्छे तक आए, तो इतने पीछे से जो गाड़ी गुड़ी गई उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर फोन पर उन्होंने मेरे को 2 बार डांट दी, कहने का 5 लाख रुपए दे देने, तेरी लड़की जो स्कूल जाए उसने घर न्याणे की हुआ 12-13 साल की है जी, 7वीं में आया, बट मैं 7 बजे करीब किया सुबह के शाम के, रात तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी जी घर से निकलने की भी, अब आया मैं सुबह ही आया था, मैं टाइप करवा कर लिखवा दो वकील को, एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जांच है, उनको बुलाया जाए कि आकर थाने पे, अभी तक थाने पे नहीं आएगा, थाने पर आकर अपना दें उसकी जांच करके करवा दीजिए।